Good morning, dear students. Now we will discuss the merits and limitations of government company. हमारा आज का टॉपिक रहेगा गवर्नमेंट कंपनी की क्या मैरिट्स होती हैं और क्या लिमिटेशंस होती हैं. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने गवर्नमेंट कंपनी के बारे में समझा. गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, एक ऐसी कंपनी जहां पे एटलीस्ट 51% शेयर कैपिटल किसकी इन्वेस्ट होनी चाहिए, गवर्नमेंट की, एंड रिमेनिंग कोई भी सेक्टर हो सकता है. एक कंपनी बनी जिसका नाम क्या है, गवर्नमेंट कंपनी. उसके कुछ कंडीशंस, कुछ फैक्ट्स भी मैंने आपको बताए थे और उसके कुछ फीचर्स भी आपसे डिस्कस किए थे. आज हम गवर्नमेंट कंपनी के फायदे और नुकसान की बात करते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी से क्या क्या फायदे हो रहे हैं और गवर्नमेंट कंपनी से क्या क्या नुकसान होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हमारे टॉपिक से. हम मैरिट, सबसे पहले हम लोग बेनिफिट्स की बात करेंगे, फायदों की बात करेंगे कि एक गवर्नमेंट कंपनी क्या क्या मैरिट्स क्रिएट करती है, क्या क्या फायदे देती है. सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन हमको जो है एक मैरिट क्रिएट कर रही है. इसकी फॉर्मेशन कैसे है, एक इजी फॉर्मेशन. इजी फॉर्मेशन का मतलब आसानी से बन जाना, आसानी से फॉर्म हो जाना, आसानी से क्रिएट हो जाना. स्टूडेंट्स, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, इसकी फॉर्मेशन, ये जो कंपनी बनी कैसे बनी, आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 या 2013. इसको किस एक्ट ने बनाया, कंपनीज एक्ट ने. और कंपनीज एक्ट क्या है, ऑलरेडी जो है एग्जिस्टेंस में था. देयर इज नो नीड टू स्पेशल एक्ट. यहां पे किसी भी तरह के स्पेशल एक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं हुई. ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस में एक्ट है उससे इस कंपनी को बना दिया गया. देखिए, गवर्नमेंट को कोई फालतू की हेडेक लेने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी एक कंपनीज एक्ट चल रहा है जिसके थ्रू इसको रजिस्टर्ड करा के इसको क्रिएट कर लिया गया. तो इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, बहुत इजी फॉर्मेशन है. ऑलरेडी एग्जिस्टेंस कंपनी एक्ट के थ्रू इसको हमने क्रिएट कर दिया. यहां पर किसी भी जो है अनदर एक्ट या किसी स्पेशल एक्ट की जरूरत नहीं है. स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था पब्लिक कॉर्पोरेशन एक जो है बिजनेस था, गवर्नमेंट का बिजनेस था. उसमें पार्लियामेंट का एक स्पेशल एक्ट बनाना पड़ता था एक जो है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. लेकिन अगर हम यहाँ गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में फॉर्मेशन बहुत आसान है क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस में एक्ट है उसके थ्रू इसको क्रिएट किया जा रहा है. तो पहला फायदा क्या हो गया, फॉर्मेशन बहुत आसान है, कोई नया एक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस एक्ट के थ्रू इसको बना दिया जाएगा. नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट मैरिट के बात करेंगे स्टूडेंट्स हम, ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन. जो भी आप काम करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए उसमें आपको क्या है, फ्रीडम है, ऑटोनॉमी. इस कंपनी, इस बिजनेस की बात कर रहे हैं, जो बिजनेस चलाने वाले हैं उनको अपने डिसीजन लेने की फ्रीडम है. कैसे स्टूडेंट्स, कौन बिजनेस चलाता है, कौन मैनेजमेंट हैंडल करता है, गवर्नमेंट कंपनी की. गवर्नमेंट कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो हैंडल करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फ्रीली अपने जो है वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था ये कंपनी के अंदर गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करती है लेकिन गवर्नमेंट इसको चला नहीं रही. चला कौन रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने डिसीजन खुद लेते हैं, देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट. तो ये भी एक फायदा है, जिस जो कंपनी रन कर रहे हैं उनके पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी है, ऑटोनॉमी है. तो ये भी फायदा है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, अपने आप बिजनेस अपने डिसीजंस लेता जा रहा है. तो एक और बेनिफिट क्रिएट किया इसने, ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन. और ये क्यों जो है हमें ऑटोनॉमी क्यों मिली, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है इस बिजनेस में. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, कि आप अपने बिजनेस के अंदर कुछ चेंजेस कर सकें, उसको फ्लेक्सिबल बना सकें. क्या अपने बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट कंपनी कुछ फ्लेक्सिबल कर सकती है, कुछ चेंजेस कर सकती है? तो ऑब्वियस आंसर है यस. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कभी भी अपने डिसीजंस चेंज कर सकते हैं एज पर द नीड ऑफ एनवायरनमेंट. जैसे ही एनवायरनमेंट में कोई जरूरत है उसके अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं. देखिए, हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में स्टूडेंट्स पढ़ा था
कि अगर कोई डिसीजन लेना है तो सबसे पहले मिनिस्ट्री कंसर्न से आपको अप्रूवल चाहिए, लेकिन इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी अगर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिसीजन लेना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद लेंगे, किसी मिनिस्ट्री के जो अप्रूवल के लिए वेट नहीं करेंगे। तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। हमने डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में देखा, एक बार रूल बन गया तो वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहां पर क्या है, रूल बनते हैं किसके अकॉर्डिंग बनते हैं, नीड्स के अकॉर्डिंग बनते हैं, वो रिजिड नहीं हो सकते। जैसे पॉलिसीज चेंज करने की नीड होती है वैसे ही पॉलिसीज चेंज कर दी जाती है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, एक और बेनिफिट की बात करेंगे हम, उसका नाम है इजी फाइनेंसिंग। क्या क्या जो है फाइनेंसिंग कैसे होती है और वो आसान कैसे है फाइनेंसिंग, देखिए यहां बता रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी में जो फाइनेंस किया जाता है, पैसा जो है इन्वेस्ट किया जाता है, बड़ा इजी तरीका है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पे नहीं है, यहां पर दो जगह से जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, अभी हमने बताया एटलीस्ट जो है 51% गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट कर देगी पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिमेनिंग अदर सेक्टर कर देगा। इसका मतलब पब्लिक एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों ही जो क्या कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, और बहुत इजी तरीका है, किसी एक पार्टी पर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। तो यहां पर फाइनेंसिंग के जो सोर्सेज हैं वो भी इजीली अवेलेबल हैं, आसानी से आपको पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रही है और प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो फाइनेंसिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, बहुत इजी तरीके से हो रही है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम, क्विक डिसीजन या प्रॉम्प्ट डिसीजन। जल्दी से डिसीजन लिया जाता है, जल्दी से डिसीजन कब लिया जाता है, जब डिसीजन लेने में कोई इंटरफेरेंस ना हो। डिसीजन लेने वाला कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है कंपनी की नीड के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, दे डोंट नीड एनी अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री, उनको किसी भी मिनिस्ट्री के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जब मिनिस्ट्री के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, दे कैन टेक डिसीजन क्विकली, वो जल्दी से जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। तो ये भी एक फायदा है, डिसीजन जल्दी लेने से क्या फायदे होते हैं ये भी समझिए स्टूडेंट्स। कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी अवसर जो मार्केट के अंदर है, यू कैन ईजिली ग्रैब, उसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, उस अवसर को ले सकते हो, फायदा ले सकते हो उससे। तो ये क्विक डिसीजन का बेनिफिट होता है, और ये किसकी मेरिट है, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी में क्विकली डिसीजन लिए जाते हैं बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, किसका फायदा हो रहा है, प्राइवेट पार्टनरशिप। मैंने आपको एक जो है बिजनेस बताया था, गवर्नमेंट का बिजनेस पब्लिक कॉरपोरेशन, आपको याद होगा, उसमें हमने बताया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है पब्लिक कॉरपोरेशन को संभाल रहे, लेकिन क्या वहां पे प्राइवेट सेक्टर का कोई पार्टिसिपेशन इन्वेस्टमेंट में था, नहीं। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट की पावर भी है, प्राइवेट का स्ट्रक्चर भी है, और प्राइवेट की पार्टनरशिप भी है। देखिए पैसा भी इन्वेस्ट कर रही है प्राइवेट, प्राइवेट का स्ट्रक्चर भी है, चलाने वाले भी कौन है, प्राइवेट, पैसा भी किसका इन्वेस्ट हो रहा है, प्राइवेट और गवर्नमेंट का। तो यहां पर हमें किसका पार्टिसिपेशन मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन मिल रहा है, और प्राइवेट की मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट होती है, प्राइवेट का वर्क बहुत एफिशिएंट होता है। तो इसको फायदा क्या हो रहा है, जो प्राइवेट का स्ट्रक्चर या प्राइवेट की जो मैनेजमेंट है उसका बेनिफिट गवर्नमेंट कंपनी एंजॉय करती है। तो यहां पर एक फर्दर एक और स्टेप लिया गया, यहां पर प्राइवेट का स्ट्रक्चर भी लिया गया और प्राइवेट की इन्वेस्टमेंट भी ली, तो इसका बेनिफिट गवर्नमेंट कंपनी एंजॉय करती है। ये तो स्टूडेंट्स हमने मैरिट्स की बात करी कि क्या क्या फायदे गवर्नमेंट कंपनी से होंगे। हमने फॉर्मेशन की बात करी तो कोई स्पेशल एक्ट नहीं बनाया गया, इस वजह से फॉर्मेशन बहुत आसान हुई है, कोई क्रिटिकल नहीं है कि आप नया एक्ट बनाएंगे। ऑटोनॉमी है ऑपरेशन में, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती, आसानी से जो है अपने काम चलाए जाते हैं बाय एनी इंटरफेरेंस। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी, अपने डिसीजन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इजी फाइनेंसिंग, पैसा दो जगह से इन्वेस्ट हो रहा है, पब्लिक एज वेल एज गवर्नमेंट से, तो बहुत आसान तरीका है फाइनेंसिंग करने का। क्विक डिसीजन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई मिनिस्ट्री कंसर्न नहीं है, दैट्स व्हाई डिसीजन क्या होगा, क्विकली लिया जाएगा।
बेनिफिट टू प्राइवेट पार्टिसिपेशन, प्राइवेट भी अपना योगदान दे रहा है गवर्नमेंट कंपनी में, अपने पैसे से जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, अपने स्ट्रक्चर से पार्टिसिपेट कर रहा है, तो प्राइवेट के जो जो स्पेशलिटी थी वो गवर्नमेंट कंपनी इंजॉय करती है। अब स्टूडेंट्स हम आपसे डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। देखिए हमने अभी तो बेनिफिट्स आपसे डिस्कस किए, ऐसा नहीं होगा किसी बिजनेस में सिर्फ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, बिजनेस में ऑलवेज पॉसिबिलिटी किसके नुकसान की भी रहती है, लिमिटेशंस की भी रहती है, हर बिजनेस में कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स की या लिमिटेशंस की, क्या क्या नुकसान होने वाले हैं गवर्नमेंट कंपनी से। सबसे पहले इनकी जो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होती है वो क्या है, इनकम्प्लीट ऑटोनॉमी या ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। स्टूडेंट्स ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, अभी तो हमने मैरिट की बात करी कि ये बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अपना जो है वर्क चला सकते हैं, अपने काम को कर सकते हैं, बट थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल, एक्चुअल में जब बिजनेस चलेगा तब क्या है इनकी ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं से क्या है इन्फ्लुएंस होगी। कैसे होगी स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूं। हमने बोला जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहे हैं, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किसने किया, दे आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। किसने सेलेक्ट किया, गवर्नमेंट ने। इसका मतलब जो गवर्नमेंट के चूज किए हुए पर्सन है क्या वो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस में नहीं आएंगे, या गवर्नमेंट के जो चूज किए हुए पर्सन है वो किनसे इन्फ्लुएंस होंगे, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की विश के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। सारे के सारे नॉमिनेटेड पर्सन कैसे हैं, क्योंकि जब सबसे ज्यादा जब शेयर कैपिटल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है तो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो क्या करे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नॉमिनेट करे। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट के है तो गवर्नमेंट ही तो चलाने वाली हुई, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं, गवर्नमेंट की विश के अकॉर्डिंग जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं। इसका मतलब फ्रीडम तो फिर भी नहीं हुई, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो तब भी है। थ्योरेटिकली हम लिख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है बिजनेस को संभाल रहे हैं, बट वो इन्फ्लुएंस किससे है, इन्फ्लुएंस बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस है वो, और गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस है तो वो डिसीजन किसके अकॉर्डिंग लेंगे, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। तो यहां पर ऑटोनॉमी सिर्फ थ्योरेटिकल चल रही है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, गवर्नमेंट का बिजनेस है, गवर्नमेंट डेफिनेटली उनकी जो है काम में इंटरफेरेंस करेगी बाय नॉमिनेटेड पर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट आता है नो कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसीज। पॉलिसी क्या है, कॉन्टिन्यू नहीं है, कॉन्टिन्यूटी नहीं है, कॉन्टिन्यूटी मतलब लगातार पॉलिसी सेम नहीं रहती, कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसीज। स्टूडेंट्स पॉलिसीज में कॉन्टिन्यूटी ना रहने से क्या बैड जो है डिसएडवांटेज या क्या जो है नुकसान होते हैं। देखिए जब भी एक बिजनेस बारी बारी पॉलिसीज चेंज करता है तो सारा स्ट्रक्चर हमें चेंज करना पड़ता है, सारे बिजनेस में चेंज करना पड़ता है, समटाइम ये क्या होता है फेवरेबल नहीं होता बिजनेस के लिए। और ये पॉलिसी क्यों जो है चेंज होती है इन गवर्नमेंट कंपनी में बारी बारी पॉलिसी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के मेन ऑफिसर्स होते हैं वो क्या होते हैं क्विकली ट्रांसफर हो जाते हैं, वो जल्दी से ट्रांसफर। देखो गवर्नमेंट के अंदर क्या है, पॉलिटिकल जो है इन्वायरमेंट में चेंज होने की वजह से जो हायर लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनमें भी स्टेबिलिटी नहीं रहती, सीनियर जो ऑफिसर्स होते हैं उनमें भी स्टेबिलिटी नहीं रहती है, वो भी क्या होते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं जल्दी से। अगर कोई एक सीनियर ऑफिसर ट्रांसफर होता है, नया सीनियर ऑफिसर आता है, जिसकी वजह से नई पॉलिसीज जो हैं एक बिजनेस में बनेंगी, और नई पॉलिसी बनते ही बिजनेस का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, और बारी बारी पॉलिसीज बननी एक बिजनेस के लिए हार्मफुल होती है, उनके इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाती है। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट के जो हैं सीनियर ऑफिसर जो अपॉइंटेड हैं या नॉमिनेटेड हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, वो बारी बारी चेंज होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से
एक बिजनेस की पॉलिसीज भी कंटिन्यू नहीं रहती, एक बिजनेस की पॉलिसीज भी चेंज होने की वजह से बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। ये भी एक नुकसान हो रहा है कि स्टेबिलिटी रहना चाहिए, जो एम्प्लॉय है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो स्टेबल रहने चाहिए, जो वो डिसीजन लेते हैं हर बार सेम डिसीजन होने चाहिए, नया पर्सन जो है डिसीजन लेने वाला नहीं हो। तो ये भी नुकसान होता है गवर्नमेंट कंपनी में, गवर्नमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो क्विकली ट्रांसफर हो जाती है, जिसकी वजह से जो पॉलिसीज हैं वो क्या रहती हैं, कंटिन्यू नहीं रहती। नेक्स्ट आता है हमारे पास लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी। प्रोफेशनल एफिशिएंसी, स्टूडेंट्स हमने बात करी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं एंड दे आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट, और उसमें कौन है, गवर्नमेंट के ही चुने हुए लोग हैं, गवर्नमेंट के ही लोग हैं। अब प्राइवेट का पार्टिसिपेशन, प्राइवेट के जो पर्सन है वो तो बहुत कम है। हमने बात करी कि वो एफिशिएंसी कैसे आती है, प्राइवेट सिस्टम से आती है क्योंकि वो ट्रेंड पर्सन होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो जो क्वांटिटी है मेंबर्स की वो किनकी ज़्यादा है, गवर्नमेंट के चुने हुए जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं गवर्नमेंट के, और वो क्या है, प्रोफेशनल नहीं है, ट्रेंड नहीं है, जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट है वो भी क्या होगी, लेस प्रोफेशनल एफिशिएंसी ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी गवर्नमेंट कंपनी में। देखिए कि आपने किसको काम दिया कंपनी संभालने का, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, और गवर्नमेंट के लोगों को जो है कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिली, वो प्रोफेशनली एफिशिएंट नहीं है एक बिजनेस को चलाने की वजह से, तो हम यहां पर कह सकते हैं लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि मैक्सिमम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स हैं वो किनके हैं, गवर्नमेंट के जो है इलेक्टेड पर्सन है, चुने हुए लोग हैं। नेक्स्ट आता है फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी या आंसरेबिलिटी, इन बिजनेसेस में एक डर रहता है स्टूडेंट्स। किनको डर रहता है, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको दे ऑलवेज फील फियर, उनको क्या होता है, फियर फील होता है। क्यों होता है, दे आर आंसरेबल टू पार्लियामेंट। वो किसके लिए आंसरेबल है, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में बिजनेस के जो है लॉस और प्रॉफिट पर जो है पार्लियामेंट क्वेश्चंस पूछती है नॉमिनेटेड ऑफिसर्स से, जिसकी वजह से वो ऑलवेज फियर फील करते हैं और कोई भी बिजनेस के लिए रिस्क नहीं लेते। और जब बिजनेस के लिए रिस्क नहीं लेते तो चांसेस ऑफ प्रॉफिट भी क्या होता है, बहुत ही कम। हमने बताया था रिस्क है तो प्रॉफिट की जो है, प्रॉफिट कमाने की जो है पॉसिबिलिटी रहती है। अगर आप रिस्क ही नहीं लेंगे तो प्रॉफिट अर्न करने की जो है पॉसिबिलिटी भी बहुत लेस हो जाएगी। तो यहाँ पर फियर की वजह से जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, रिस्क को अवॉइड करते हैं, और रिस्क अवॉइड करने की वजह से जो चांसेस होते हैं प्रॉफिट अर्न करने के वो भी बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कंपनी ऑलवेज क्या रहती है, लेस प्रॉफिटेबल सिचुएशंस में ही रहती है। तो स्टूडेंट्स ये हमने इसकी डीमेरिट की बात करी, नुकसान की बात करी, ऑलवेज इंटरफेरेंस जो है मिनिस्ट्री का रहेगा, किसकी तरह से रहेगा, क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं उन्हीं के जो है नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। और हमने अभी बात करी प्रोफेशनल नहीं होंगे क्योंकि गवर्नमेंट के चुने हुए लोग हैं, तो गवर्नमेंट के जो इलेक्टेड पर्सन हैं वो प्रोफेशनली ट्रेन पर्सन नहीं होंगे, सिर्फ गवर्नमेंट के पर्सन होंगे, जिसकी वजह से प्रोफेशनल एफिशिएंसी नहीं आएगी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का ऑलवेज फियर रहता है सीनियर ऑफिसर की को, जिसकी वजह से वो हायर रिस्क नहीं ले सकते, और हायर रिस्क नहीं ले सकते तो प्रॉफिटेबल जो है सिचुएशंस के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और पॉलिसीज कभी भी यहाँ पर रिजिड नहीं होती, पॉलिसी में हमेशा चेंजेस आते रहते हैं क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स की इजीली ट्रांसफर होती रहती है गवर्नमेंट कंपनी में, जिसकी वजह से पॉलिसी चेंज होते ही जो एनवायरनमेंट होता है गवर्नमेंट कंपनी का वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है, हार्म हो जाता है। ये तो स्टूडेंट्स हमारी लिमिटेशंस थी गवर्नमेंट कंपनी की, और हमने आपसे मैरिट डिस्कस किए। आज हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है, यूटिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी।
जो गवर्नमेंट कंपनी है किन सिचुएशन में यूटिलिटी क्रिएट करती है, गवर्नमेंट कंपनी को सरकार को कब बनाना चाहिए या कहां पर वो बेनिफिशियल होगी गवर्नमेंट कंपनी। एक सिचुएशन मैं आपसे डिस्कस करती हूँ जहां पर पहली सिचुएशन प्राइवेट पार्टनरशिप की नीड है, वहां पर गवर्नमेंट कंपनी को स्टार्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट को कहां पर गवर्नमेंट कंपनी को स्टार्ट करना चाहिए, सबसे पहले जहां पर नीड किसकी हो, प्राइवेट पार्टनरशिप की हो, क्योंकि ये कैसी कंपनी है जहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों साथ में एक कंपनी चला रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट 51% जो शेयर है वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। दैट्स व्हाई इस कंपनी का नाम क्या है, गवर्नमेंट कंपनी। तो ये कहां पर बेनिफिशियल होगी, जहां पर प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत होगी गवर्नमेंट कंपनी क्या करे, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट कंपनी वहां पर स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट यूटिलिटी कहां जनरेट होती, कहां इसका फायदा होता है गवर्नमेंट कंपनी का, वो भी समझिए स्टूडेंट्स। जहां पर गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एक्टिविटीज को बढ़ाना होता है, जहां पर गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एक्टिविटीज को एनकरेज करना होता है, वहां पर गवर्नमेंट कंपनी को स्टार्ट किया जाता है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज कहां पर बढ़ाए, एक एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स मैं आपको, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहां पर फाइनेंशियल एक्टिविटी को गवर्नमेंट को बढ़ाना था, 90% जो है शेयर कैपिटल गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर दी यहां पर, और ये क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो जहां पर फाइनेंशियल एक्टिविटीज को बढ़ाने की बात आती है तो गवर्नमेंट वहां पर कैसा जो है बिजनेस सोचती है, गवर्नमेंट कंपनी को एस्टैब्लिश करने का। फिर हम एक और यूटिलिटी जो है गवर्नमेंट कंपनी की बात करेंगे कि कहां पर इसकी यूटिलिटी सबसे ज्यादा है, किन सिचुएशंस में गवर्नमेंट कंपनी की यूटिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो एक हम बताते हैं आपको, जहां पर एक बिजनेस की वेरियस पार्टी डेंजर में हो, एक बिजनेस जो ऑलरेडी चल रहा है, बिजनेस की वेरियस पार्टीज कौन होती हैं, जो कंसर्न पार्टीज होती हैं, जैसे स्टूडेंट्स इंप्लॉयज हो जाएंगे, जैसे स्टूडेंट्स कस्टमर हो जाएंगे, जैसे शेयर होल्डर होंगे, ये क्या है, बिजनेस से जुड़ी हुई पार्टीज। एक बिजनेस जिसके अंदर उनकी कंसर्न पार्टी के कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, वो डेंजर में है, ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट उस बिजनेस के मैक्सिमम शेयर को खरीद लेता है, जिससे उन पार्टीज पर आया हुआ डेंजर क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी गवर्नमेंट कंपनी को स्टार्ट होना चाहिए, जहां पर एक बड़ा बिजनेस और बड़े बिजनेस की कंसर्न पार्टीज को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, तो वहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होकर गवर्नमेंट उसके मैक्सिमम शेयर को खरीद ले, जिससे नुकसान कम हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में भी गवर्नमेंट कंपनी को बनाना चाहिए। एक और हो सकता है जहां पर गवर्नमेंट की डिजायर हो कि गवर्नमेंट ने एक बिजनेस नया स्टार्ट किया और उसमें प्राइवेट को जो है इन्वॉल्व करने की डिजायर हो, तो ऐसे केस के अंदर भी गवर्नमेंट कंपनी बनाई जा सकती है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को लिया जा सकता है। देखो जहां पर गवर्नमेंट की डिजायर है कि नया एक बिजनेस शुरू किया जिसमें प्राइवेट सेक्टर को वो इन्वॉल्व करना चाहती है, तब भी तो गवर्नमेंट कंपनी बनाई जा सकती है और वो प्रॉफिटेबल भी होगी। तो स्टूडेंट्स हमने अभी फायदे बात करें, यूटिलिटी कहाँ जनरेट होती है, किन सिचुएशंस में जनरेट होती है, वो अभी आपसे डिस्कस किया। जहाँ प्राइवेट पार्टिसिपेशन चाहिए तो गवर्नमेंट कंपनी अपनी यूटिलिटी क्रिएट करेगी, जहां पर एक बिजनेस की कंसर्न पार्टी डेंजर के अंदर है वहां पर गवर्नमेंट हेल्पफुल होगी, गवर्नमेंट के जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, मैक्सिमम शेयर खरीद लेगी जिससे उस बिजनेस को बेनिफिट होगा। तो हमने आपसे कुछ यूटिलिटीज भी जनरेट की जो है भी डिस्कस की, अभी हमने आपसे मैरिट एंड डीमैरिट भी आपसे डिस्कस की। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।